टायर की बिजिया 140/70/17 थोड़ा बढ़िया रहा मेरा फाइनल टायर। पहली कुछ ऐसी रही न्यू टायर की लुक है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, होप करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। सो अभी मैं एकदम रेडी हो गया हूँ। लास्ट दो दिन से व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ मैं, उसका रीजन क्या है क्या नहीं आपको सीधा मोटो व्लॉग में बताऊंगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक का टायर चेंज करवाने, देखते हैं चेंज करवाऊंगा या साथ लाऊंगा, पूरा कंफर्म नहीं है। तो निकलते हैं अब यहाँ से, तो अब आपको मिलते हैं सीधा बाइक के, बाकी कहानी सारी बाइक पे सुनाऊंगा भाई। फाइनली आ गया अपनी बाइक के पास। अभी मैं आपको बाइक की हालत बताता हूँ, बैक टायर की, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल खत्म हो गया भाई साहब, पंचर हो गया। सबसे पहले हम इसको पंचर ही लगवाएंगे, टायर बिल्कुल बैठ गया ना, सो इसकी वजह से बहुत बबल करी। अभी फाइनली पंचर वगैरह हो गया, अभी टायर चेंज करवा दूंगा। सबसे पहले एक सिद्रा की छोटी सी राइड ली जाए, लास्ट पे एक बर्नआउट हो जाए छोटा सा, सो चलते हैं अब बर्नआउट मारने। पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे, सो अभी यहाँ पे हम मारेंगे बर्नआउट। तो भाई लोग अभी हम थोड़ा इधर की तरफ मारेंगे, अभी देखते हैं कैसा क्या रहेगा। फाइनली गाइस बहुत सारा बर्नआउट मारा मैंने, बट टायर फटने का नाम नहीं ले रहा, बट ये है कि टायर की बज्जिया बाहर निकल गया और मजा आ गया यार बर्नआउट मारने का। तो अभी हम सीधा जाएंगे घूमट, वहां पे हम टायर करवा लेंगे चेंज, एक नया टायर डालेंगे भाई, जो मन करेगा वही डालेंगे भाई साहब। तो भाई लोग लास्ट दो दिन से ब्लॉग में इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि बाइक के टायर की प्रॉब्लम जो की, सो भैया लेके गए थे ड्यूटी, तो वहां से आगे वापस तो उन्होंने बोला ऐसे टायर पंचर हो गया, पंचर भी नहीं लग रहा है। तो यार मैं सोचा यार कमाल है यार पंचर क्यों लग रहा है, तो भैया बोलने गए आप देख ले इसको, टायर ही चेंज करो, टायर खत्म हो गया, स्किट बहुत ज्यादा खाती है बाइक, मतलब सीन होते रहते हैं यार, मतलब प्रॉब्लम्स आती रहती है लाइफ में, बट हार नहीं माननी है यार। फोन भी टूट गया, टायर भी, मतलब मूड ही खराब हो गया सर। दो दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला, जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, तो एकदम मस्त वाली राइड फिर से होने वाली है, वो भी आपको बता दूंगा मैं, अभी नहीं बताऊंगा। इतना बोला मैं कि भाई व्लॉग तगड़े आने वाले इसके बाद। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना भाई साहब, सारी अपडेट्स आपको वहीं पे मिलती है, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उधर जाके फॉलो कर देना भाई लोग। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जब मैं भदरवा राइड पे गया था तो मेरे साथ क्या सीन हुआ था। जब हम यहाँ से भदरवा राइड पे निकले, यहाँ से बहुत अच्छे से प्लान किया था, बहुत ज्यादा खुशी थी अपनी, सबसे पहले लॉन्ग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं हम। सीन कुछ ऐसा हो गया, ग्रोटा पहुंचा, वहां पे मैंने फ्यूल अप करवा दिया बाइक में, चाय वगैरह हमने पी ली, वहां हमने वो उतना रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जल्दी में थे। तो वहां पे मैंने अपना वॉलेट खोला, पैसे वगैरह देखे मैंने, सब कुछ वहीं पे था, तो याद नहीं उसके बाद कैसा क्या हो गया। पर जब मैं डोडा पहुंचता हूँ भाई साहब, तो डोडा पहुंचा उधर क्या देखना था मैंने, चेकिंग करने लगे भाई लोग, बैग खोला मैंने, मैं पर्स दिखाता हूँ, तो आइडेंटिटी प्रूफ मांगने लगे वहां पे, आर्मी वाले थे उन्हें आइडेंटिटी प्रूफ मांगना था, वहां क्या देखना था, वहां मेरे पास पर्स नहीं था भाई, मतलब ऐसा शॉक लग गया मुझे, मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया भाई साहब, ये क्या सीन हो गया। पर्स ढूंढा मैंने हर जगह, मतलब पूरे बैग के कपड़े खोले, सब कुछ खोले, मतलब कहां कहां तक मैंने ढूंढा नहीं। तो अमीन भाई को मैंने बोला ऐसे ऐसे सीन हो गया भाई, मेरा पर्स नहीं है, मतलब एकदम मेरा मूड ही ऑफ हो गया भाई, समझ सकते हो ना जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है। फिर 4500 उसमें कैश था, ATM, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, देखा वहां पे कुछ भी था भाई। फिर उधर से आगे मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं वापिस जाऊंगा यार, मतलब आपको समझ सकते हो जब ऐसा कुछ होता है, वो भी जब बंदा सफर में हो तो क्या क्या उस टाइम क्या बीतती है इंसान पे। तो उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था और वापस आने के लायक, बट अमीन भाई ने बोला कि सारा खर्चा भाई मैं तेरा उठाऊंगा, जितना भी होगा तू टेंशन नहीं ले, अब जो होना था हो गया, अगर तू वापस जाएगा तब भी तुझे पर्स मिलने वाला नहीं है। मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा था कि मैं व्लॉग में बोलूंगा व्लॉग में, बट मैं बोल नहीं पाया, मैंने किसी को घर में भी नहीं बोला अभी तक, किसी को भी नहीं बोला है, दोस्त हो ना ऐसे हो यार। तो सीधी जो बात है ना, मतलब मैं कभी अमीन भाई का एहसान नहीं भूलूंगा ये चीज़ यार, उसने मतलब बहुत हेल्प की मेरी, जितना भी खर्चा था सारा खर्चा उसने उठाया भाई, मुझे वापस भी नहीं बंदे ने आने दिया यार, थैंक यू अमीन भाई यार, मतलब आप इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हो मेरी। वापस आया मैंने सब कुछ दोबारा अप्लाई कर लिया, सो अब भाई आपकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि काम वगैरह सारा हो गया, लाइसेंस वगैरह वो भी दोबारा से अप्लाई करवाया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ। ऐसे सीन ना लाइफ में होते रहते, उसके बाद मतलब बहुत सीन हुए बदरवा रोड ट्रिप पे ना, बहुत सारे सीन हुए यार, बता नहीं पाऊंगा यार क्या क्या हुआ क्या। सो फाइनली पहुंच गए हम शॉप पे, अभी देखते हैं यहाँ पे टायर कौन सा वाला डालना है, 140 साइज डालना है, तो अभी भैया दिखाएंगे टायर। अरे रेडियल जो इसकी लाइफ कम होती है, सो ये उसमें पड़ने वाला अच्छे से नहीं है, तो अभी मैंने ये वाला ले लिया C8 का, ये रेडियल नहीं विदाउट रेडियल है, मतलब बोलते हैं इसका अच्छा रहेगा, लाइफ भी इसकी ज़्यादा। सो अभी ये रहा मेरा फाइनल टायर, वाला टायर डालने वाला अपनी बीस्ट में, सो ये लो भैया भाई साहब, यहाँ तो आपने खोल दिया है इसका। सो ये निकल रहा है मेरा टायर, अभी निकाल दिया सब कुछ यार, ये क्या कर दिया मेरी बाइक को।
140 70 17 140 70 17 थोड़ा बड़ा साइज क्योंकि लीन करने में मज़ा भी आएगा ना भाई साहब। अभी ये हो रहा है नया वाला टायर फिट। ओ भाई साहब आराम से देख रहे हो भाई कितनी मेहनत लगती है यार। जो लास्ट वाला होता है कवर करना बहुत मुश्किल होता है, इससे बहुत खतरा होता है भाई साहब। अगर वो उधर से निकल जाए ना सीन भी हो सकता है। फाइनली हो गया फिट एकदम। तो अभी हवा भर रहे हैं इसमें, आ गया टायर फिट होके। अब यहाँ पे लगाना है इन्हें भाई साहब ने। तो काफी क्लोज आ चुका है काम। बस फाइनली कुछ ऐसी रही न्यू टायर की लुक, कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बता देना। न्यू टायर तो हमने इंस्टॉल कर लिया, अब तो मजा आएगा भाई साहब। ये रहा अपना ओल्ड टायर, इस पर चेंज करें क्योंकि ये बोरे खत्म हो गए पिछले वाले, तो इनको डरा देते हैं भाई साहब। सो फाइनली डिस्क पैड भी डाल दिया, अब अगले वाले चेक करते हैं। भाई अगले भाई लोग अभी अगले वाले डिस्क पैड ऑलमोस्ट ठीक ही है ना भैया। चल हाथों की हालत देख रहे हो भाई क्या हो गया। सो फाइनली हाल ओके, अब निकलते हैं हम यहाँ से। टायर वायर लगा दिया एकदम मस्त हो गए। सो अब तो लीन वगैरह तगड़े बजेंगे, अब डर नहीं रहेगा भाई। बट अभी ये कि ब्रेक कम लग रही है क्योंकि डिस्क पैड चेंज किए हैं ना। सो अभी हम निकलते हैं सीधा वापस घर, काम भी बहुत सारे हैं घर में। तो कमेंट करके बता देना कैसा क्या लग रहा है भाई। एकदम मस्त है नया टायर, डिस्क पैड भी चेंज करवा ले भाई साहब। अगले वाले चेक किए वो भी ठीक ही हैं ऑलमोस्ट। सो कैसा लगा आपको न्यू टायर भाई साहब? 140 साइज आला एकदम मस्त वाले लीन बजने वाले भाई। तुम्हारे 3000 का फटका लग गया भाई। अभी अगला टायर भी है, वो भी देखना है भाई साहब। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया घर। कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके बता दें। आई होप अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। और भाई लोग जो नए हमारे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लो। उसके बाद कोई अच्छा सा सरप्राइज आने वाला, हम लॉन्ग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं मैं और अमीन भाई। सो कमेंट करके बता देना कहाँ जाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो अब। सो मिलते हैं बेसिक सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड राइड सेफ। बाय गाइज, बाय।